नमस्कार दर्शक बंधु मु दीपक आपण माने देखुचंती भूत रेडियो हॉरर पॉडकास्ट सांग माने एही किछि दिन हला मु गोटे बेंगली घोस्ट शंख चुरनिस विषय रे सुनीथिली आउ आजी मु आपण को सेई भूत विषय रे गोटे सत कहानी सुनाइबी। कहंती कि शंख चुरनिस गोटे विवाहित महिला रे भूत जहार मृत्यु बाहाघरर अल्प दिन मानकरे होई जाय थाए। सेमाने मृत्यु परे गोटे विवाहित महिला रे शरीर खोजंती जहाद्वारा से तांकर विवाहित जीवन को आउ थरे जी पारिबे। सेमाने बहुत क्षतिकारक और शक्तिशाली होई पारंती। देखिबाकु सेमाने शंख परी धळा और तांकर शरीर रातिरे चकमक करथाय। सेतिपाई तांकर नाम पुरातन लोक माने शंख चूर्णी रखिछंती। सेमाने आउ कोन कोन करि पारिबे एहा आपण कहानी चलिले आगो को जानि पारिबे। तो फ्रेंड्स कमेंट रे निजर मतामत देबाकु बिल्कुल भी भूलिबे नाही। चलंतु आउ डेरी नकरी आरंभ करिबा आजिर एपिसोड। नमस्कार मो ना पल्लवी। आमर एठारे वेस्ट बेंगल रे बहुत सारा लोक कथा ओ कहानी गुड़िक प्रचलित सेति मध्यरु शंख चूर्णी हेउची गोटिए। एही कहानी जहाँ मु आपनकु कहिबाकु जाउची सेटा मोर निजर नुहे। एही कहानीटी हेउची गोटे स्त्री लोकर जा विषय रे मो जेजेमा मते पिला बेले कहुतिले। आगर कहानी मु सही स्त्री लोकर दृष्टिकोण रु आपण मानकु सुनाइबी। नमस्कार मो ना मालती। कोपी नदी कूल रे आमर गाँ बेसी नुहे मात्र गोटिए मास होइतिला मो पुओ को बाहा हेबार। आमर रीति रिवाज अनुसार नुआ करी बाहा होइतिबा बहु मानकु किछि सप्ताह पर्यंत घर बाहर को छड़ा जाए नाही। जदि जरूरी पड़े ताले से ओढ़ना ढाकी बाहर को जाई पारिबे किंतु से तांको चेहरा बाहर लोक को काहा को भी देखाई पारिबे नाही। एही नियम को आम गाँव में सख्त भावे पालन करा जाए। कहती कि नुआ जगार नुआ बहु को खराब नजर लागिबार बहुत संभावना अछि सेतिबे सब करिबा बाध्यतामूलक। मो समय एही नियम गुड़िक को कटाकटी गाँव में पालन करा जाए किंतु समय बदलिबा सहित लोक शिक्षित हेबा सहित यह सब रीति रिवाज फीका पड़ जाऊला। आजिका समय छुआ यह सब कथा को बहुत कम मानती। से माने अजणा था कि यही सब नियम गुड़िक से सुरक्षापाई करांगे तहार परिणति बहुत भयानक घटव। बाघर गोटे मस होता और मो पु घर को गोटे शिक्षित और सुंदरी बोटी आनी सीमा से क्योंठू आम को नक भलपाई बाहर बाघर गोटे दीटा सप्ताह पर जा आमे एक कथा जानिबा को पाइलु। जेतेबेले सीता को नहीं घर को आसिला तार बापा ता उपरे बहुत रागी थिले किंतु बापा माँ का राग केते दिन बहुत शीघ्र आमे आम बोहू को आपणाई नेलु। गोटिए बोली पुओ आमर ताकु केमिति आमे आम ठारु दूर रखि पारि थांतु। प्रथम दुई तीन दिन से मोर सबु कथा मानिला। मु ताकु आम गाँव विषय आमर परिवार विषय आमर परंपरा और रीति रिवाज शिखाउथिली। से बहुत लाजकुली झियो थिला। मोर कहिबा अनुसार से सबुबले ता मुह को ओढ़णारे ढांकी रखे एमिति कि घरे केही पुरुष नथिबा समय रे भी से मते रोसी बासर भी साज्य करूतला ओ घरर प्राय अधा काम से मो हातरु छड़ाई निए। बहुर मोर भल संपर्क गढ़ी उठिथिला। मु ताकु गोटे सासु नुहे गोटे झियो परि देखुथिले। दिने मु मो पुओ रूम पटे दे जाउथिली आउ सेतबले मु किछि एमिति सुनिली जहा मते बहुत आश्चर्य करथिला। रूम भितरे मो पुओ बहु पाटितुंड करूथिले। से दुजणक झगड़ा मते नहीं होता। से मो पुओ को बहुत कठिन शब्द द्वारा गाली करुथाए। से कहुथाए तुमर माँ कौ जुगरे बंचुचंती आजिके समय कौ बहु घर भितर 24 घंटा पशिकी रुहे आउ मोर ए ओढ़णी एमती लगुच जमी मो आखिरे कपड़ा बंधा हो टिकिए भी मथा टेक शांति निश्वास नहीं पारुनी। यही सब कथा शुणिला मुठार मन दुखरे चली आसली। तापर मु निजे निजे भाबाक लगिली एमाने होउचंती आजिर छुआ मते सेमानंकु एपरि नियमरे बांधिबार नथिला। मो चिंताधारा सेमानंक तुलनारे बहुत अलगा। तापरे मु निष्पत्ति नेली कि मु मो बहु उपरे आउ एते प्रतिबंध लगाइबि नाही। घरे झगड़ा जोगु मो पुओ भी मो सह भलसे दुईपद कथा होनथिला। एहार कारण भी मु भल भाबरे जानिथिली। दिने आम घरर नळकूप खराब होइ जाइथिला। सूर्य गड़ी आसुथाए नळकूप को ठीक करिबाकु मो पुओ ओ तार बापा सखाळु लागिथिले किंतु नलकूप ठीक हो नथिला। घरे गोटे बुंदा पानी भी नथिला। सेतिपय मो बहु सीमा कलसरे पानी भरिबे पई नय को चली गला। आम घर ठारु किछि हात दूर रे गोटे बड़ नई थिला।
कहते कि से नई तुठ से गोटे बड़ गच अच्छे आई बड़ गचरे गोटे प्रेत आत्मा बास करे शंख चूर्णी सन्ध्याला से कही भी स्त्रीलोक नईकूल को जाती ना खासको स्त्रीलोक सेठे बहुत गुड़ाए भयानक भयानक घटना घटी से गाँ लोक मानकू जावाई शक्त भाव बारण कराए मुझे जाणी सीमा से नदी को पाणी आने को जाऊँगी मु तार आगे ढड़ा हो गली और ता हाथ कलसी छड़े नहीं कहली मारे तू कहीं ये बाट जीव दे मु पानी आसुची से पुणी मो हाथ कलसी छड़े नहीं कहला बहु तुम ज्ञान अच्छी तुम बयस के तुम एत बाट पा कलस धरी चली चली आसी पारना मु तो जाऊँगी असुविधा कौन अच्छी मु कहली देख मा असुविधा किसी ना ते समय सेठाक जीवा कथा नुहे तापर सीमा रागि जा कहला माँ तुम्हें पुणी थे से कथा बाहर कल तुम्हें कही मात्र किसी सप्ताह एवं तो सप्ताह सरी गोटे मस है एवं तो मत बाहर को जीवा को अनुमति दियो मुझे बुझाइला पर भी से मो कथ मान ला ताकूमी कह कि कहार आत्मा अच्छी बोली एक शुणिले से मो आहरी रागिज और मो पु जदि जानव मुपरी कथा कही डराऊे तेल से भी बहुत रागि गला बेले मुझे पचरु डाकी खाली एतिक कहली माँ सीमा मारे ध्यान रखिबु राति हेबा पूर्व चली आसबु आउ हाँ मुहरु ओढ़ा काढ़ हौ हौ बो ठीक अच्छे मु बुझिली सीमा कहला अध घंटा पाखापाखी हो जाइला किंतु एत बड़े जाए सीमा फेरी नथिला मो मन को बारंबार खराब भावना आसुला मु आउ संभाली होई रही पाली ना मो पु आउ जितेबले खोजा को घर द्वार मुहरे बाहरी चु सेत आम सीमा को देखिल से मुंडरे पूरा ओढ़नी दे अंटारे कलसी धरी खाली पादरे चली चली घर आड़ को आसुला सीमा को देखी मो पु कहला माँ देख तू बेकारटे छानिया हो तो बहु एमती सेमी बहु नुहे मु ठाकुर को गोटे ओलिकी पकाई सीमा को घर को टाणी ने सीमा तू आउ दिने भी पा आने को जीवनु सेठे अध घंटा है तू कौन करूँ एठारे आम माँ पुओं को हालत खराब हो गलानी तापर मो पु कहला हाँ सीमा तुम्हें सेठी एत समय धरी कौन करूल आम सबू सीमार उत्तर को अपेक्षा करपर सीमा ओढ़ा टेकी और आलुका हसी दे कहला किसी ना बो मु गला बेलू से गोटे पगड़ी गाधोला मु गाधुआ छंदार अपेक्षा कली से गाधो सर पर ही मु पानी नहीं कि आसली मु कहली बास आउ किछि होइनी त सीमा मते एक अजीब चाहणी रे अनाइला आउ कहला आउ किछि माने बो आपण कौन भावुले मत सेठारु किए कौन टेकी नहीं पलैब एकता शुणी दुहे हसीबा को लागिले सीमा ठीक ठाक थिला एथिपय मु खुशी थी किंतु तार आज एपरी व्यवहार मत बहुत अलग लगला यापर मुखर से कलसी नहीं रोसे घरे रखी रात आम खाइबा प्रस्तुत कर खाई शोबाक चलीगल समस्ते निज निज रूम्रे मध्यराति मत एक अजीब स्वप्न आसला स्वप्न में मुझे पगिड़ी को देखिली जी गाधुआ छंदर स्थान करुला तार चेहरा भयानक तार लंबा लंबा चुट्टी और पादर बड़ बड़ नख से पथर उपर बसी नखरू माटी बाहर करुला यह देखी मु अचानक निदरु उठी पड़ी तापर मते बहुत जोर से शोष लगवाक लगला पानी खोजी खोजी मु रोसे घर को गली से समय घरे बिजुली चली जाए था रोसे घरे गोटे लंठन टे जलुला मु तार पाख को जाई से लंठन बती को बढ़ाई और आखपाखे पा खोजा को लगली सेठे गोटे नाली कलसी जो थी सीमा पा भरी आनी मु गोटे गिलास नहीं से कलसी पा गोड़ाई ढक ढक कर पी पकाइली तापर मो देहरे टिके जीवन पशिला मु रोसे घर बाहरी चिकि ना मत गोटे डाक शुभिला बहु ए बहु मत बचा बहु रोसे घरे मो छड़ा आउ कही भी नथिले ताले मते किए डाकुला मु डरी मरी पछ को चाहली पछरे किछि भी नथिला केवल से माठिया को छाड़ीदेले मु डर भरे किछि चिंता करि पारु नथाए मते लागिला बोधे हुए से खराब स्वप्न पाई मते एपरी भयानक आवाज सुबा जाउछि मु तुरंत रोसे घर बाहरी मो स्वामी पाख को सोइबा पई चली गेली ता पर दिन मते निदरो उठिबा को टिके विलंब होइगला गत रातिर घटना को नहीं मु ठीक से सोई पारि नथिले
ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ଦେଖେ ତ ଘର ଦାଣ୍ଡ ସବୁ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି ଓ ଘରର ଚଟାଣ ବି ଚକ୍ଚକ୍ କରୁଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ଝାଡ଼ୁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି। ସେତେବେଳକୁ ସକାଳ ବି ଭଲସେ ହୋଇନଥାଏ। ରୋଷେଇ ଘରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା ଦେଖି ମୋ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ସୀମା ଥିଲା ଓ ସେ ସକାଳୁ ମୋ ଆଗରୁ ଉଠି ସଜବାଜ ହୋଇ ଘରର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି କେଜାଣି ବହୁତ ଅଜୀବ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ଚାପି ଚାପି ସୀମା ପାଖକୁ ଗଲି। ସୀମା ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମଥାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ସିନ୍ଦୁରର ବଡ଼ ଥୋପା ଲଗାଇ ଚୁଲି ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ବସିଥାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ ତାର ପାଖକୁ ଗଲି, ସେ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ତାର ପାଦକୁ ଶାଢ଼ୀ ଭିତରେ ଲୁଚାଇଦେଲା। ତାପରେ ସେ ବୁଲିକି ପଛକୁ ଚାହିଁଲା। ସେ ପୂର୍ବଠାରୁ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଏମିତି ମଜାରେ ତାର କେଶ ଓ ଚେହେରାକୁ ସଜାଇଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖି ମୋତେ ମୋ ଯବାନୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେମିତି ମୁଁ ତାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେମିତି ସେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କଲା ଓ ଦୁଇ ହାତରେ ପାଦକୁ ଛୁଇଁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଆଲୋ ମା, ତୋର ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି କି? ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁ ରୋଷେଇ କରିଛୁ? ତାପରେ ସୀମା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ହଁ କହିଲା। ସେଠାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ପୁଅକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତା ରୁମ୍କୁ ପଠାଇଦେଲି। ସେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ହଟାଇ ଦେଖିଲି। ସବୁ ଜିନିଷ ଏକଦମ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କିଛି ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ସୀମାର ଚାଲିଚଳନ ଓ ବେଶ ପୋଷାକରେ ବହୁତ ସାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି। ଏମିତିକି ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଅଧିକ ଲାଜକୁଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ଓ ସ୍ୱାମୀ ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବାହାରେ କାମକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦିନ ସାରା ସୀମା ପାଖରେ ଥାଏ ଓ ମୁଁ ତାର ସବୁ ହରକତକୁ ଆଖି ଉପରେ ରଖିଥାଏ। ମୋ ଉପର ମନ କହୁଥାଏ କି ଯାହା ବି ହେଉଛି ସେସବୁ ଭଲ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତର ମନ କିଛି ଅଲଗା ଭାବୁଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବା ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଦିନେ ମୁଁ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ମୋତେ ସୀମାର ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଦରୁ ଉଠିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କଥାପି ମୁଁ ସୀମା ଉଠିବା ଆଗରୁ ଉଠିପାରିଲି ନାହିଁ। କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ସୀମାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମ ଘରେ କେହି ବି ସୀମା ଆଗରୁ ଉଠିପାରୁନଥିଲେ। ଆମେ ଉଠିବାର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସୀମା ସବୁ ରୋଷେଇବାସ କାମ ସାରିଦେଇଥାଏ। ମୁଁ କେବେ ବି ତାକୁ ସକାଳୁ ଉଠି ରୋଷେଇ କରିବାର ଦେଖିପାରୁନଥିଲି। ସେ ଦିନରେ ବି ମୋତେ କିମ୍ବା କାହାକୁ ବି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଶିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଦିନେ ମୁଁ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ସପ ଝାଡ଼ିଲା ବେଳେ ସପ ତଳୁ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଦାନ୍ତ କାଠି ପାଇଲି। ତାକୁ ଦେଖି ମୋର ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। କହନ୍ତି କି ଡାହାଣୀ ଦାନ୍ତ କାଠି କିମ୍ବା କୌଣସି କୁଟା ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ର କରି ଆପଣଙ୍କ ଶେଜରେ ପକାଇ ଦିଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଖଟ ଉପରେ ବନ୍ଦିନୀ ହୋଇଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଚାଲାକ କରି ସେହି ଦାନ୍ତ କାଠିଟିକୁ ସପତଳୁ କାଢ଼ି ବାହାରେ ଝରକାରେ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲି। ଯାହେଉ, ତା ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ଆଗରୁ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ସେ ମୋ ରୁମ୍ର କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ବାହାରେ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରୁ ଆଲୁଅ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଓ ଖଡ଼ିକାର ଖଡ଼ଖଡ଼ ଶବ୍ଦ ବି ଆସୁଥାଏ। ସୀମା ମୋ ଆଗରୁ ଉଠିଯାଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିନଥିଲା। ମୁଁ କୌଣସି ବି ଆବାଜ ନକରି ପାଦକୁ ଚାପି ଚାପି କବାଟ ପାଖକୁ ଗଲି ଓ କବାଟର କୋଣକୁ ହାଲୁକା ନଈ ଭିତରକୁ ଦେଖିଲି। ସେଠାରେ ସୀମା ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା। ଚୁଲି ବି ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚୁଲିରେ ଜାଳ ବଦଳରେ ସୀମାର ଗୋଢ଼ ପଶିଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇଦେଲି। ମୋ ପାଟିରୁ ଚିତ୍କାର ବାହାରି ଆସୁଥାଏ। ତାର ଗୋଢ଼ କୌଣସି କାଠ ପରି ନିଆଁ ଧରିଥାଏ। ସେ ଆରାମସେ ତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଢ଼କୁ ଚୁଲି ଭିତରେ ପୁରାଇ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଆଉ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି। ସୀମାର ହାତ ଚାଉଳର ଡବା ପାଖକୁ ଆପେ ଆପେ ଲମ୍ବିଗଲା। ଚାଉଳର ଡବା ତାଜାର ସବା ଉପରେ ଥିଲା। ସେ ଖାଲି ସେହି ଦିଗକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ଓ ତାର ହାତ କୋହଣୀ ପାଖରୁ ଏକ ରବର ପରି ଲମ୍ବା ହୋଇ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ସହଜରେ ବସି ବସି ତାଜା ଉପରୁ ଚାଉଳର ଡବାକୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲା। ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖି ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରୁଥାଏ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ବୁଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ମୁଁ କିଛି କାହାକୁ ନ କହି ଚୁପଚାପ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଓ ଆଗକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ସେହି କଥା ଭାବିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସୀମା ମୋ ବୋହୁ ନୁହେଁ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲା। ଶଙ୍ଖଚୂର୍ଣ୍ଣୀ ମୋ ମା ଏହି ପ୍ରେତ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଆଗରୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲା। ଗୋଢ଼ରେ ନିଆଁ ଜଳାଇବା,
हाथ को रबर पर लंबा करदे और प्रतिदिन नुआ नुआ बोहूपी सज होगा एसबू लक्षण गोटे शंखचूर्णी प्रेतर जदि ये एटी अच्छी ताहले मो असली बहु कुआडे गला से राक्षस शुणी ताकू मारिदेनी तो यह मु मने मने भावुए तापरे मोर हठात से ही दिन कथा मन पड़गला जो दिन मु रोसे घर बो बचाओ बचाओ आवाज शुणी हाँ से सबू से ही दिन ही घटी सीमार व्यवहार से ही दिन ठारु ही अलग अलग लगुच जो दिन से पानी आने को नई कि जाता से दिन ही तासह कौन गोटे भयानक घटी यापर मु रोसे घर को गली सेटार मुझे रोसे घरे से कलसी को खोजा को लगिली सेटे खोजा खोजी कलापर मत घर गोटे कोण से ही कलसटी मिलला ताको निबुज करी लुचा हो रखा जाता मु तुरंत ताऊपर पर्दा उठाई ता मुहर लगी घोड़ी को काढ़िली आश्चर्यर कथा कलसी भितर ठोपाए भी पा ना कि टेकवा बहुत कष्टर हो जाऊला कलसी कान दे शुणवर मत जनकर कांद शुभिला बो ए बो मत बचाओ बो ए घटना को ठीक ठाक बुझीपी यही किछि दिन हैला जे आम आगरे भलो देखाई हेबार नाटक करूची से सीमा नुहे मु सतत जानी सारिथिले किंतु असली सीमा को केमिति मु एही कलसी भितर मुक्त करिवि ताहा मो मुंडरे पशु नथिला मो बुढ़ीमा कहे शंखचूर्णी भूत हलदीर बासना को घृणा करंती सेतिपय मु गोटे योजना कली दिन रे घरे केही पुरुष नथिबा बळे मु सीमा रूम को गली सेठारे सीमा आराम से खट उपरे सोइथाय ताकु न उठाई मु रोसे घरु हलदी गछर चेर आनिली ओ ताकु जळाई घर सारा रखिदेली पोड़ा हलदीर गंधरे घर पूरा भरी उठिला जेमिति से गंध सीमा रूम को पसिला सेमिति ता रूम भितर गोटे भयानक चित्कार शुभिला मु गोटे कबाट कोण रे लुची एसबू कांड देखुथाए नाकरे हलदीर गंध बाजिबा परे से प्रेत आत्मा धीरे धीरे तार असली रूप को आसिला तार सुंदर चेहरा धीरे धीरे सुखी पांपड़ पर होगला और हाथ गोड़ सब पतला हो गोटे बाउंश कणी पर होगले मो आखि आगे से चित्कार कर पवन में कुआडे उभान होगला से गलापर बोधहुए तार माँ जाल भांगिगला और मो असली बहु सीमा कलसे भितर मुक्त होगला यापर सीमा मत सबू कथा कहला केमिति से दिन गाधुआ छंदारे तार सामना से ही शंखचूर्णी सह होता सीमा पानी नहीं फेरवा बेले गोटे पतला बुढ़ी लोकटे बाटर देखादेला से गोटे माठिया को टेकी पार न थाए बाटर सीमा ताकु देखी ता मन में दया आसला और से तार साहय करने को चलीगला जमी सीमा तार पाखकू पहुँची सेमती से तार माय जाल सीमा को फसाई माठिया भितर बंदी करदेला और तापर से सीमार रूप धारण कर आम घर को आसला यापर कौन कौन है आपण मैने जाथे यही घटना पर सीमा बुझी पारिला कि गोटे भुआसुणी को घर भितर कौन पाई रही कह जाए।